जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा, अंबाला शहर YouTube चैनल की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो इन श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के निमित्त अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को सुनते हैं तो इससे हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। वो किसी भी योनि में हो तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो आप आज सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। 7वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तुम मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्रायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तुम मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाला होने से उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छे प्रकार स्थित है जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से
प्रेरे हुए तथा उन उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि कारण यह है कि बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक सातवां अध्याय। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। इस प्रकार आपने श्रीमद् भगवद गीता का सातवां अध्याय हिंदी अनुवाद सुना, तो यह आप प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन आप इसका पाठ कर सकते हैं। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है, हमारे कोई भी पितर किसी भी योनि में हो उनकी मुक्ति हो जाती है इस अध्याय को सुनने मात्र से। तो उम्मीद है कि आप इस अध्याय को रोज सुनेंगे। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। इस प्रकार यह सारी कथा आप श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय की कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय गीता के सातवें अध्याय को सुनने में लगाया। भगवान की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आपको हम जय श्री राधे जय श्री कृष्ण कहते हैं। हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।